कौन है ये औरी? सुशांत ने अंकिता से प्यार किया और अंकिता ने उससे प्यार किया और वो दोनों की शादी होने वाली थी। आई वुड लव टू मेक अ फिल्म लाइक एनिमल। और वो एक नंगा एक्टर है। आज सिर्फ हनी सिंह और बादशाह, दे आर लेजेंड्स। मतलब इट इज शेमफुल। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं zmediaindia.com एंड दिस इज द वीकेंड शो विद विनीता कुमार। तो आज शो में ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी बात करने, एक सेंसिटिव से सब्जेक्ट के साथ, आई हैव विद मी संदीप सिंह, मीरा चोपड़ा एंड अभय वर्मा विद सफेद। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का zmediaindia.com पर एंड कंग्रेचुलेशन फॉर सफेद। यू नो Z5 की फिल्म है, ट्रेलर देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्युटली हार्ड हिटिंग ट्रेलर, इट लिव्स विद यू, यू नो मतलब बहुत देर तक आपके साथ रहता है। एक ट्रांसजेंडर और विडो की लव स्टोरी, ये आइडिया कंसीव करना ही इज लाइक अनदर लिविंग इन अनदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर, यू नो। तो ये हाउ डिड इट बिगिन, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कंसीव हुआ, कैसे प्रोसेस हुआ, हाउ डिड इट ऑल हैपन, टीम कैसे बनी? विनीता, सबसे पहले तो ट्रेलर को इतना सराहने के लिए थैंक यू सो मच। और दूसरी चीज़ कि ये जो कहानी है ये 2006 में ही मैंने सोच लिया था, क्योंकि मुझे पता तो था ही कि मुझे डायरेक्टर बनना है। अब उस प्रोसेस में जो जो बनता चला गया, जर्नलिस्ट और प्रोड्यूसर, वो अलग बात है। 50 लाख रुपए में ये पूरी फिल्म बनी है। और कुछ लोगों को अप्रोच किया, वो जब नहीं किए तो मीरा चोपड़ा और अभय से मैंने रिक्वेस्ट किया और दोनों ने ये चैलेंजिंग रोल करके मुझे ही चैलेंज कर दिया। बट यू नो एज अ टीम, इन फैक्ट मोर टू मीरा एंड अभय, दैट यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एक्चुअली। आपको लाइक यू हैव टू हैव गट that, you know, that kind of got to say yes to this, you know, because mujhe lagta hai, I'm not the artist, but you know, I can say that ki ek to emotionally exhausting hota hai, dusra emotionally strengthening bhi ho jata hai kahin na kahin, you know. So kya aap log aise phase mein hai life ke jahan par aap easily isko yes keh paaye? I think if I talk about myself, Abhi is too young to say that, I feel. Yeah. But seeing my journey, I think yes, I'm in the phase that I can say yes to projects which might be very challenging for me, physically and mentally. As Safed was physically also very draining. Okay. And mentally, of course, the subject was very intense. So, दोनों तरफ से हम सबको, हम लोग 18-18 घंटे शूटिंग कर रहे थे बनारस में इन 42-43-44 डिग्री टेम्परेचर। वी वर डूइंग 5-6 सीन्स टुगेदर, सारे इमोशनली डिफरेंट सीन्स थे। तो वो संदीप ने कैसे प्लान कर लिया वो सब इकट्ठे हम एक दिन में करेंगे और हम लोगों ने कैसे वो डिलीवर कर दिया, आई थिंक अभी तक हमको वो चीज़ समझ नहीं आई, हजम नहीं हुई है, नहीं होता है। एंड आई थिंक एज एन एक्टर यू reach that stage where you want to do roles which makes you a better person personally also. Okay. Because it's your mental growth, it's your spiritual growth. And Safed is that movie. Safed will mentally and spiritually makes you a better person. At least that happened with me. And you feel very blessed when you get something like that. Because ek puri journey tum jee rahe ho. So aapne bola ki ye better इंसान बना देता है सफेद, एक ऐसी फिल्म है, हाउ डिड इट डू दैट फॉर यू? यू नो तुम्हें लगता है कि दुनिया में कितनी ज़्यादा पेन है, कितना ज़्यादा सोरो है, और हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके और अपने काम के थ्रू और अपने पैशन के थ्रू अगर वो आता है तो आई थिंक उससे बड़ी आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिल सकती है मेरे ख्याल से एक लाइफ में। एंड मी आई मीन आई एम स्टार्टिंग यंग एज पीपल आर सेइंग, आई डोंट बिलीव सो। I'm 20. Yes, not okay. According to Meera, I'm forever 22 years old. Yeah, but I'm 25 now. Oh, okay. Thankfully. So. जब चांदी प्ले किया था तब 22 का था। तब 20 था। मेरे लिए कितना मुश्किल होगा आप सोचिए। I would want to say one thing. Yeah. Sorry, cutting him off. No, no. जब मैंने की स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं काली तो भूल गई। मैंने संदीप को मैसेज फोन करके बोला, ये बताओ चांदी कौन प्ले कर रहा है? So he said अभय वर्मा लड़का है जिसने फैमिली मैन किया है। मैंने गूगल किया एंड आई वाज लाइक
How can a 22-year-old guy play such a layered, mature role? You're doing a mistake, Sandeep. Yeah, you're doing a change mistake. Change the cast. Please take somebody else who has seen life. Because 22 saal ke ladke ne to zindagi bhi nahi dekhi hoti. I said, please take somebody who will be able to do justice to this role. Take somebody who's little mature. Yeah, and you're eating your words now. He's like, tum apna kaam karo. I am literally eating my words now. I think Chandi is the soul of the film. Oh. And I think this is like the compliment you must be getting every day now. And especially coming from them, because you live a life. You don't play just a character. जैसा आपने बोला कि मतलब मीरा ने भी बोला दैट इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन एवरी डे एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर जॉब दैट विद एवरी कैरेक्टर इज नॉट जस्ट अ शूटिंग डेज यू हैव जस्ट शॉट इट्स अ कैरेक्टर दैट यू हैव लिव्ड एंड इट्स अ लाइफ यू हैव लिव्ड तो वो एक पर्सपेक्टिव एक जुड़ना एंड मेरे पर्सपेक्टिव से आप देखें तो चांदी का पर्सपेक्टिव सुनना जिसको लोग अभी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है जिनकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं है वो पर्सपेक्टिव मेरे साथ जुड़ना और उस तरीके से जाना आई थिंक दैट वाज द मोस्ट आई ओपनिंग एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सम टाइम और आपने यू हैव बीन वर्क्ड विद पीपल यू नो जो कि एक्चुअली लाइक दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड यू नो स्टार्स बोल दो ना अमेजिंग यू नो क्यों मतलब ऐसा है कि व्हेन संदीप विल गो आउट एंड मेक हिज डेब्यू यू नो डायरेक्टोरियल डेब्यू तो वो क्यों एक ग्लॉसी फिल्म्स लाइक यू नो ओवर द टॉप ग्रैंडियर बिकॉज दैट अट्रैक्ट्स मोर ना एज अ फिल्म मेकर एज वेल एंड टू द ऑडियंस एज वेल ना तो वो क्यों नहीं चूज करेंगे संदीप क्योंकि संदीप को सक्सेस से प्यार नहीं है संदीप को फिल्म से प्यार है और जितनी भी आप फिल्में देखेंगे चाहे मैरी कॉम हो अलीगढ़ हो सरबजीत हो भूमि हो झुंड हो पीएम नरेंद्र मोदी हो अटल है सावरकर है सहाराशी की बायोपिक आ रही है ये सारी फिल्में ऐसी हैं जो आपको प्रेरित करती है आपको कुछ सिखा के जाती है क्योंकि ये सारी कहानियाँ मुझे सिखा के गई है जब मैं रामलीला कर रहा था एज अ को प्रोड्यूसर तभी मुझे मैरी कॉम आया था और सब ने मना किया तो मैंने मैरी कॉम किया उससे पहले संजय भंसाली प्रोडक्शन हाउस में कभी लड़की ने दांत ब्रेसेस नहीं लगाए हाफ पैंट नहीं पहना बॉक्सिंग नहीं किया और घांगरा सब घांगरा में ही नाच रहे थे तो इसलिए वहाँ राउडी और गब्बर और सरस्वती चंद्र जैसी चीज़ों को कोशिश करके हमने बनाई और लोगों ने उस चीज़ को प्यार भी दिया तो मुझे ऐसा लगा कि लोग अच्छा देखना चाहते हैं सही चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाता है लेकिन हम उनको नाच गाने से बाहर ही नहीं निकाल रहे जैसे अभी एक्शन से बाहर नहीं निकाल रहे yeah. लोगों को लग रहा है कि एक्शन दिखा दिखा के इतना लोगों में भर दो yeah. और वही हो रहा है समाज में विच इज़ फाइन ठीक है जो जो ग्रे है जैसे पुष्पा ग्रे था कंटारा ग्रे था समाज के केरला स्टोरी ग्रेफ एक जो चीज़ खुल के किसी के चीज़ के खिलाफ हो एनिमल उस चीज को लोग एकदम तालियां बजा बजा के एक्सेप्ट करें चाहे वो आरआर हो आरआर में भी एक दोस्त के खिलाफ ही खड़ा हो जाता है तो जितनी फिल्में एक दूसरे के खिलाफ और एंग्स्ट में हो वो चल रही है तो ये थोड़ा ऐसा है कि जो अछूत मानते हैं हम विधवाओं को जो ट्रांसजेंडर को हम घिन के नजर से देखते हैं अपनाते नहीं हैं थर्ड जेंडर कहते हैं और हम अपने आप को मेल फीमेल कहते हैं उनको थर्ड जेंडर बिना बात किए बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं अभी एक किसी एक लड़के पे कितना उस पर कमेंट किया प्रांशु पे कि उसने आत्महत्या ही कर लिया तो सोशल मीडिया इज नॉट आई डोंट नो इट इज किलिंग अस अभी आपने कहा कि यूट्यूब पे कमेंट और भाई कमेंट ही तो बहुत डेंजर चीज हो चुका है लोग कमेंट के लिए मेकअप लगाना शुरू कर चुके हैं लोगों को कमेंट की वजह से अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है तो मैं वो फिल्में ही नहीं करना चाहता हूँ नहीं बनाऊंगा मैं ऐसी फिल्में जो सिर्फ नाच गाना और बिगनिंग में नहीं नहीं लार्जर देन लाइफ इज डिफरेंट दैट आई हैव डन इन बाजीराव एंड भूमि एंड झुंड दे आर बिग फिल्म बट हैज समथिंग टू ऑफर सारा शी इज लार्जर देन लाइफ अटल जी इज नॉट लार्जर देन लाइफ सो दैट इज द नेक्स्ट फिल्म आफ्टर सफेद बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं 30 करोड़ की फिल्म अटल बना रहा हूँ तो मैं 50 लाख की फिल्म ना बनाऊँ कहानी की जो डिमांड होती है उस हिसाब से हम पैसा खर्चा करें ना तो उस सक्सेस को पैसे से नहीं तोलें तो यू नो व्हाट आई कैन सी इज कि आप लोग टोटली एक पैशनेट है इस कहानी के बारे में और मुझे लगता है कि हर कहानी के बारे में जो करते जो भी आप करते हैं यू नो बट यू नो स्पेशली विद सफेद मुझे लगता है कि यू नो All of you are like on the same page.
यू नो विच इज अमेजिंग. हमारे पास ऑप्शन क्या, हम सब आउटसाइडर हैं. हमारे थोड़ी माँ बाप और ये लोग मतलब यश जौहर हैं या करण जौहर हैं या यश चोपड़ा या आदित्य चोपड़ा या जावेद अख्तर फरहान अख्तर हैं. हमको अपना अपनी अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढनी है. हमारे को कोई नॉक नहीं कर रहा है दरवाजा. हमको अपॉर्चुनिटी बनाना है, खुद क्रिएट करना है, खुद लिखना है, खुद पैसे लाने, खुद एक्टरों के हाथ जोड़ने हैं, फिर शूटिंग करना है हाथ जोड़ के, फिर पोस्ट करना है और फिर भीख मांगना है रिलीज करने के लिए. ये हमारी कहानी होती है. Why haven't you already? नहीं, कैंप में मैं बिलीव नहीं करता, चाहे वो आउटसाइडर हो इनसाइडर हो. ऐसे हम लोगों को एक होना चाहिए और एक होके फिल्म या कोई भी काम करना चाहिए. आई थिंक देयर शुड बी नो कैंप एट ऑल. बट यू ऑल वर नॉट इन माय कैंप दैट आई हैव कास्टेड यू ऑल. नॉट मेनी पीपल आर लाइक यू. एवरीबॉडी शुड बिकम लाइक वन. बट यू नो मेरा जो सवाल था वो ये था कि यू नो यू टॉक्ड अबाउट ऑल द फिल्म्स दैट एक्शन फिल्म्स जो बहुत ज़्यादा यू नो दे आर मैसिव बॉक्स ऑफिस सक्सेसेस. मेरा एक क्वेश्चन था कि एक्शन इज ओके बट टॉक्सिक एक्शन की बात आती है. यू नो मोस्ट ऑफ दिस फिल्म्स दे आर टॉक्सिक. मेरा यू नो एज एन आर्टिस्ट आई मीन यू आर डूइंग सफेद विच इज़ यू नो इनक्रेडिबल, सच एन इमोशनली एग्जॉस्टिंग फिल्म आई वुड से. बट यू नो वुड यू एवर बी कम्फर्टेबल सेइंग येस टू डूइंग अ फिल्म लाइक एनिमल, जहाँ पे यू नो कि ये फिल्म एक मैसिव बॉक्स ऑफिस सक्सेस होने वाली है, बट इट वुड ऑल्सो रिसीव क्रिटिसिज्म बिकॉज ऑफ मिसोजिनी, बिकॉज ऑफ यू नो बींग टॉक्सिक. क्या आप रश्मिका या तृप्तिका कैरेक्टर करने में कम्फर्टेबल होंगी? एंड वुड यू मेक अ फिल्म लाइक दैट, जो आपको पता है कि यू नो बॉक्स ऑफिस पे तो चल ही जाएगी क्योंकि दौर चल रहा है, बट प्रॉबेबली यू नो शायद लोग उतना स्ट्रांगली इसको ओके ना बोले. ऑनेस्टली अगर मैं अपने दिल से जवाब दूँ तो आई वुड डू इट. वाई? बिकॉज ही इज शोइंग अ काइंड ऑफ ह्यूमन इमोशन विच एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड. टॉक्सिसिटी है रियल वर्ल्ड में, टॉक्सिक कैरेक्टर्स हैं रियल वर्ल्ड में. ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसी कहानी बनाई है जो यू नो विच इज़ नॉट देयर इन आवर सोसाइटी. है ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये वाला इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है. हाँ, पेट्रियार्कल मूवी है, मिसोजिनिस्ट मूवी है, बट दे आर पीपल लाइक दैट. एंड वाई कांट वी शो दैम ऑन स्क्रीन? वी शो वेरी पॉजिटिव साइड्स ऑफ द स्टोरी. वाई कांट वी शो something which is grey and negative? Because those people also exist in the world. We are just actors, we are just trying to portray something, we are just trying to show something. So yeah, I would do it. सबसे पहले तो ये जो आपने कहा कि toxic, मैं ये नहीं मानता हूँ. Have you watched Animal? आपने Animal देखी है? आप लोग ने देखी है? You thought it was toxic? I thought. नहीं ठीक है, that's a subjective thing. आज आपको वो टॉक्सिक लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है. शायद आपको सफ़ेद ख़राब लगे, मुझे अच्छी लगे. तो आपकी चॉइस है ना, आई शुड रिस्पेक्ट दैट. बट मैं आपसे अग्री नहीं करता हूँ कि वो टॉक्सिक है. संदीप रेड्डी वंगा ने एक अलग तरह के सिनेमा और एक अलग तरह के सीन्स और स्क्रीन प्ले को ट्रीटमेंट दिया है, जो जिसके लिए हम अभी हिंदी ऑडियंस तैयार नहीं है. एंड साउथ इज रेडी. आई एम सॉरी, एंड द ऑडियंस इन द साउथ इज रेडी यू से? नो नो नो, आई एम नॉट. मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए साउथ हो या तमिल हो या तेलुगु, सब हिंदी है. इंडियन सिनेमा अभी रेडी नहीं है. ये जो है अभी जो यूथ है वो जाके इस फिल्म को हिट की. इट्स नॉट अ फैमिली फिल्म. वन सेकेंड, मैं बनाता कि नहीं? यस मैं बनाता, पर इस तरीके से नहीं कहता, मैं अलग तरीके से कहता. संदीप रेड्डी वांगा अगर मैरी कॉम या सफ़ेद या अटल बनाते, इस तरीके से नहीं कहते. सबका तरीका अलग होता है. दूसरी चीज़, मैं आई वुड लव टू मेक अ फिल्म लाइक एनिमल. इनफैक्ट आई वुड लव टू डायरेक्ट इट एंड राइट इट एंड ट्रीट इट इन अ मोर डिफरेंट वे. आई थिंक ही इज ट्रीटेड इट विथ हिज हार्ट एंड आई अप्रिशिएट दैट. और उन्होंने क्रिटिक्स और सेंसर और ये सब को बिना सोचे फिल्म बनाई है. एंड आई थिंक अ फिल्म मेकर शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया. उसी तरीके से जब हम नेटफ्लिक्स का ज़माना आ चुका है और ऑल्ट पे इतने सारे गंद देख रहे हैं, तब हम नहीं बोल रहे हैं. यहाँ क्योंकि रणबीर कपूर है और भूषण कुमार है और संदीप रेड्डी वांगा, जो सक्सेसफुल लोग हैं, स्टार्स हैं, उन्होंने किया तो हम उन पे उंगली उठा रहे हैं. लेकिन उस चीज़ को बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन मिला है तो लोग अभी कम बोलना शुरू. अगर ये फ्लॉप हो जाती तो बड़ा रणबीर कपूर की बुराई करते. पर रणबीर कपूर की मैं उसको सलाम करता हूँ कि उस बंदे ने ये रोल एज ए स्टार एक्सेप्ट किया और ये लैंग्वेजेस यूज़ किया और इतना ब्रूटली काम किया खुल के.
मैं ये कहता हूँ कि रणबीर कपूर में सबसे काबिलियत बात है जो सारे एक्टर को सीखनी चाहिए, ही इज़ नॉट इमेज कॉन्शियस, ही इज़ नॉट डाइंग फॉर पॉपुलैरिटी, दैट्स व्हाई ही इज़ नॉट ऑन सोशल मीडिया, ही इज़ लिविंग हिज लाइफ वेरी प्रॉपरली, और वो रोल एक्सेप्ट करता है, और वो एक नंगा एक्टर है, उससे आप कुछ भी करा लो। ही इज़ माई फ्रेंड, वी बोथ आर बॉर्न ऑन द सेम डेट, 28 सितंबर। तो आई थिंक इट्स अ वेरी चैलेंजिंग फिल्म एंड इट विल टेक टाइम फॉर अस। वही एक डैमर बनता है जब नेटफ्लिक्स पे वो इतना अप्रिशिएट होता है। हम अभी भी CID नहीं बना सकते हैं। आज मैं आपको बोलूं, टाइटल भी लोगों को, अगर आप कितनी भी ग्रेट फिल्म बना लो और आप लिख दो राम तेरी गंगा मैली, राम लखन, या आप लिख दो खलनायक क्यों चला था, वाई डज पीपल स्टिल लव संजय दत्त, ही इज अ ग्रेट कैरेक्टर यार। वो आदमी एक्सेप्ट करता है, हाँ मैं जेल गया था, मैं दारू पीता हूँ, मैं घूमता हूँ, यू नो उनके फिल्म के बायोपिक में है, मैंने इतनी सारी गर्लफ्रेंड रखी इसलिए संजू चली, सच्चाई थी, एनिमल में सच्चाई है, एंड लेट्स एक्सेप्ट, कभी कभी सच्चाई को बहुत प्यार से एक्सेप्ट करना चाहिए। हम नहीं अच्छे दिखते हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, हम अच्छे दिखते वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फिल्में तो कोई भी बनानी चाहिए, कुछ भी बनानी चाहिए, बस समय के हिसाब से चलो। आज जैसे फॉर एन एग्जाम्पल सुभाष घई साहब हैं, इतने सीनियर हैं, इतने बड़े लेजेंड हैं वो, लेकिन वो समय के हिसाब से बदले नहीं, जो यश चोपड़ा जी बदल गए, तो वो आखिरी तक फिल्म बनाए। इसलिए सुभाष जी जैसा ग्रेट फिल्म मेकर जिससे हम इंस्पायर हुए, उनके नाम से हम टिकट खरीदने जाते थे, टाइटल तो बाद में, पर अब वो समय नहीं है कि मैं साजन लिखूं और राम तेरी गंगा मैली और मैं तुलसी तेरे आंगन की, गंगा जमुना, ये टाइटल अब ख़त्म हो चुके हैं। अभी ऐसे टाइटलों की ज़रूरत नहीं है। आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या मदन मोहन या नौशाद साहब के म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, दो हम सिर्फ सुन सकते हैं। आज सिर्फ हनी सिंह और बादशाह, दे आर लेजेंड्स। मतलब इट इज़ शेमफुल कि AP ढिलोन पे डॉक्यूमेंट्री बनता है, और सोनू निगम, लता मंगेशकर जैसे दिग्गज हमारे यहाँ पर पड़े हैं, और आप उन पर एक डॉक्यूमेंट्री छोड़ो शॉर्ट फिल्म नहीं बनाते हो। मैं बनाऊँगा, मुझे शर्म आई AP ढिलोन पे डॉक्यूमेंट्री बनी है, उसने किया क्या है लाइफ में। और अब सोनू निगम जैसा लेजेंड इंसान, सुरेश वाडकर साहब, जगजीत सिंह जी, लता मंगेशकर जी, RD बर्मन साहब, आशा भोसले जी, इन पे हम कुछ नहीं बनाए, वेरी नाइस, क्योंकि वो बेच नहीं सकते आप, ये बात है। नहीं नहीं, वो आप कह रहे हो बिकॉज आप आर्टिस्ट हो, आप अच्छी चीजें देखते हो, अच्छी चीजें सुनते समझते हो, पर यहाँ कदर नहीं है। यहाँ जिसके फॉलोवर्स अच्छे हैं उस पर डॉक्यूमेंट्री बनता है, जो टैलेंटेड है वो उसको पीछे बिठा दो। आज कास्टिंग इस तरीके से होता है, जिसके फॉलोवर्स हैं उसको कर लो, जो टैलेंटेड है उसको भी नीचे फेंक दो। आई थिंक मतलब मेरे लिए सबसे एज अ कमिंग ऑफ एज एक्टर मैं ऑडिशंस देता हूँ, आई लव टू गिव ऑडिशंस, और यहाँ पर तो मैं ऑनेस्टली मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के कि किसी के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो आपको सिर्फ उसके बिहाफ पे आपको कोई चीज़ और एक अपॉर्चुनिटी आपको ग्रांट कर दी जाएगी। बचपन से इंसान कथक सीख रहा है, शास्त्रीय संगीत सीख रहा है, डिक्शन सीख रहा है, बॉडी लैंग्वेज सही कर रहा है, डाइट पर है, ये इसका नहीं, फॉलोवर्स। और फॉलोवर्स के लिए क्या हमको उर्फी जावेद बनना है, राखी सावंत बनना है, जो हम लोग फॉलोवर्स बढ़ाएं, और आप क्यों नहीं कास्ट कर रहे हो उर्फी जावेद को फिर? कौन है ये औरी को क्यों लेके आप लोग इतना प्रमोट कर रहे हो? वो पैसा दे रहे हो और आप लोग छाप रहे हो, और इमेजिन फॉर व्हाट, उसको आप बिग बॉस पे बुलाते हो। आई फील वेरी सैड व्हेन आई सी दोस थिंग्स। मेरे हिसाब से मैं तो एक प्राउड फीलिंग के साथ कह सकता हूँ कि मैं बॉलीवुड में 20 साल बिता चुका हूँ, है हिम्मत तो सफेद बना के दिखाओ और लिख के बताओ, और अगली फिल्म मैं अगली फिल्म और भी खोल के बनाऊंगा और दिल से बनाऊंगा, और वही बनाऊंगा जो लोगों के दिल में है पर जुबान पे नहीं आती, और वैसे ही फिल्में मैं बनाना चाहता हूँ। और मुझे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए सफ़ेद से। आप देखें, अगर आपके मन में किन्नरों के लिए और विधवाओं के लिए थोड़ा प्यार आ जाए तो आप जाके उनसे गले मिल लेना, उनके साथ खाना खा लेना, वो अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये फिल्म देखें और लोग मुझे तालियां बजाएं। वैसे भी मैं आपको बता दूं, अभी तक 6 से 7 स्क्रीनिंग हुई है और कुछ 400-500 लोगों ने देखा है फिल्म को, और सब लोग रो के बाहर निकले हैं, सब लोगों की फीलिंग्स जागी है, सब लोगों ने किसी ने आके मेरा पैर छुआ है मेरे से, और जैसे आशा भोसले जी थी वो सिर्फ रो के बाहर चुपचाप निकल गई, स्मिता ठाकरे जी बहुत रोईं,
कई लोग, सोनू जी ने बोला कि तुम ये बनाओगे, मुझे भरोसा नहीं था। राजकुमार हिरानी साहब ने जब देखा तो बोला कि ये सही में इसने चांदी किया है, तुम लोगों ने इतना अच्छा काम कैसे कर दिया। तो काफ़ी लोगों ने जब फिल्म देखा, रौनित रॉय साहब और जावेद जाफरी साहब जैसे सीनियर लोगों ने फिल्म देखा और बोला कि यार शर्मन जोशी, इन लोगों ने देखा, मेरे दोस्त हैं, लोग आए देखने टाइम निकाल के, लेकिन देखा तो वो लोग इतना प्यार दिया है उन्होंने कि अगली बार इससे अच्छा काम नहीं किया तो हम, मुझे शर्म आनी चाहिए। तो मुझे सफ़ेद से फ़ायदा नहीं, मुझे सफ़ेद से बदलाव चाहिए। संदीप, मुझे एक बात बताइए, व्हेन यू वर यू नो टॉकिंग टू मी, जस्ट केम टू मी कि अगर सुशांत आज होते तो आप उनको ये फिल्म ऑफर करते या वो एक क्रिएटिव पार्टनरशिप होती इस पर किसी भी तरीके की? कभी कोई फिल्म ऑफर नहीं करता। सुशांत और मैं इतने क्लोज हैं कि उसको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है वो क्या कर सकता है। हर कहानी हम डिस्कस करते ही थे, जो चीज़ उसको करना एज ए स्टार उसको सही लगे वो हाँ बोल सकता है। मैं कोई फिल्म कभी पिच नहीं करूँगा और कभी किया भी नहीं मैंने। हम लोग एक फिल्म बनाने वाले थे वंदे भारतम, और वो इनकम्प्लीट रह गई क्योंकि मैं राइटिंग में टाइम लेता हूँ। वो इनकम्प्लीट रह गई, वो क्यों रह गई सब जानते हैं। तो उस चीज़ को उस वहाँ से मेरा डेब्यू होने वाला था एज ए डायरेक्टर, बिकॉज वो हमने 2011-12 में ही डिसाइड कर लिया था हम दोनों ने, जब मैंने सुशांत को सरस्वती चंद्र ऑफर किया था पवित्र रिश्ता के बाद। पर उसकी बातों के बाद जब मेरी मीटिंग हुई सुशांत से पहली बार, और मैंने ही मीटिंग में कह दिया कि तुम टीवी मत करो और तुम फिल्म करो, एंड देन वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड स्टेइंग टुगेदर, वी स्टार्टेड रोमिंग टुगेदर, म्यूजिक सुनना, जगजीत सिंह के गाने सुनना, मटन और भात खाना साथ में, और बस यही है। Yeah. Are you comfortable, you know, now that we are talking about Sushant, you have to tell me that, you know, Ankita has been talking about her relationship aur wo bahut sari baatein, bahut sari kahaniyan Big Boss mein bata rahi hain. Are you comfortable listening to these stories? Why I'm asking this, because, you know, people believe that when somebody is not here to defend or koi unke behalf pe defend nahi kar raha hai, to is it okay to share these stories? You know, are you comfortable with that? जब सुशांत स्ट्रगल कर रहा था और सुशांत के एंड तक, मुझे लगता है कि उसके फैमिली से भी ज़्यादा सुशांत ने अंकिता से प्यार किया और अंकिता ने उससे प्यार किया और वो दोनों की शादी होने वाली थी। और कुछ चीज़ें जब इंसान कुछ दोस्तों के बीच, बिग बॉस हाउस हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, उनके लिए घर है कुछ महीनों का, वहाँ पर कई सारी बातें ऐसी आ जाती है जो दिल में होती है, जो अपने माँ बाप या पति से वहाँ नहीं कर पाते घर में बैठ के, क्योंकि वो निजी ज़िंदगी में बिज़ी रहते हैं। लोगों को चाहे कुछ भी लग रहा हो, मैं जानता हूँ कि अंकिता कभी ज़िंदगी में स्ट्रैटेजीज नहीं बनाती, क्योंकि वो बहुत इमोशनल लड़की है। और वो, मैं क्योंकि उसकी शादी हो गई है, फिर भी मैं बोलना चाहूँगा, वो सुशांत से बहुत प्यार करती थी, और तो जो भी निकल रहा है वो उसका इमोशंस है, उसका प्यार है, जो वो कभी किसी को बोल नहीं पाई, और उस चीज़ को क्लिपिंग्स बना के प्रमोट किया जा रहा है। वो चैनल का चॉइस है, टीआरपी का चॉइस है, मीडिया का चॉइस है, पर वो तो अपने दिल की बात कह रही है, वो मैं जानता हूँ बहुत ही अच्छे से, क्योंकि हम साथ खाए पिए घूमे फिरे हैं, रहे हैं। उससे अच्छी लड़की इंडस्ट्री में मैंने नहीं देखा है, उससे अच्छा दोस्त नहीं देखा है मैंने, वो बिंदास है। अंकिता इज नॉट दैट गर्ल। अभी अंकिता ने अंकिता को मैंने सफेद ऑफर किया था, बट शी डिड नॉट डू दैट थिंग, एंड अभी मैंने उसे सावरकर दी है एज ए लीड, और शी इज अपोजिट रणदीप हुडा प्लेइंग हिज वाइफ। बस वो आ जाएगी अभी फेब में फिल्म। अबे, विल यू एवर डू बिग बॉस? इफ ही डज देन आई विल नेवर टॉक टू हिम। मी टू, आई विल नेवर टॉक टू यू। व्हाई? नाउ ही कैन आंसर व्हाटएवर ही वांट्स टू आंसर। I think I have a couple of people who'll answer on my behalf, and they already have. Yeah. No, but honestly, I don't see it coming. Never say never. Yeah.
Big Boss had come to her. No, I've been asked couple of times, but no. Yeah. That's not. Have you been following the show though? Manara is there? Yeah, no, not much, but I've seen couple of episodes, especially the first entry episode Yeah. Big Boss मैं देख नहीं पाती because मुझे Big Boss बहुत toxic लगता है. Ah. वो कुछ ज़्यादा ही toxic है. I mean, why would you want to see people fighting for food or for such petty things? Yeah. And chillam chali hoti rehti hai. The last Big Boss season which I saw was Siddharth and Asim Pooja. Aur uske baad maine decide kiya tha I'm not going to watch it because it really drains me emotionally. Yeah. And you're never going to be part of it as well. No, never. Yeah. Never say never. No, I'm saying you're never. No, but wherever you are in life and in careers, I think this is such a fantastic position to be at. And what I see is absolute pride in your hearts and on your face, So congratulations for Safed. And I really hope and I really wish ki aap log jo ye baton apna leke chal rahe hai na, of your going solo, independent, with so much passion and love and hard work. Keep on. Keep just, keep going. इसलिए तो लिखा है इंसान हूँ गाली नहीं. Yeah. So congratulations on the note. All the best. Thank you. Thank you. Thank you.